हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वैष्णवी फ्री एजुकेशन क्लासेस। फ्रेंड्स, जल्दी से आ जाइए क्लास में और सभी लोग एक बार कंफर्म करेंगे क्या हमारी ऑडियो वीडियो एकदम क्लियर है। सभी लोग बताएंगे आप लोग? हाँ, वेरी गुड। काफ़ी लोग जुड़ चुके हैं एंड फटाफट से सभी लोग शेयर करेंगे अपनी क्लास को। आ जाइए जल्दी से। डेली आपकी क्लास हो रही है ना, तो आपको डेली जुड़ना है, ठीक है? आ जाएंगे जल्दी से सभी लोग। चलिए, आवाज क्लियर है? शाबाश। चलिए ठीक है, सभी लोग जुड़ रहे हैं? हाँ, क्लियर है मैम, ठीक है। चलिए, सभी लोगों को गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय माता दी। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को एंड काफ़ी बच्चे जुड़ चुके हैं और काफ़ी लोग जुड़ते जा रहे हैं। शाबाश, ऑल क्लियर, वेरी गुड। एक बार क्लास को शेयर भी कर दीजिए, पता नहीं क्यों आज संख्या बहुत कम है, दो दिन से देख रहे हैं संख्या कम हो रही है आप लोगों की, क्या बात है। चलिए चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं, क्योंकि हमें सीधे अब 125 क्वेश्चन पर ही उतरना है, ठीक है? डेली आपके 125 क्वेश्चंस रहेंगे, ठीक है? हाँ, चलिए आ जाइए क्लास में। दो चार लोगों के नाम देते हैं फिर अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। हमारे साथ जुड़ चुके हैं सुमन, संगीता, सिद्धांत, सुमित, छवि, नेहा, मिंटू, मेघा, सुमित, रागनी, प्रियंका, रवि, काफ़ी लोग जुड़ चुके हैं, कोमल जी भी आ गई हैं। चलिए सभी लोगों को गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं, ठीक है? और 125 क्वेश्चन आज हम सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है? तो कितने क्वेश्चन हैं अपने? 125 क्वेश्चन हैं और रात को, चलिए रात को 9 बजे फिर से आज आपकी ट्रिक वाली क्लास आने वाली है। कौन सी ट्रिक वाली? जिसमें हम आपको अजंता की गुफाएं पढ़ाने वाले हैं और एकदम फुल लव स्टोरी से स्टार्ट होगी आपकी क्लास, तो सभी लोगों को देखना है, ठीक है? चलिए, हाँ चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ, दशहरे की वजह से सभी लोग आज गायब हैं। चलिए शुरू हो रहा है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, मेरा अस्तित्व जो कि तेल माध्यम में बना है, इस चित्र के चित्रकार की पहचान करनी है। बताइए फर्स्ट का क्या होगा? मिंटू जी आपका नाम ले चुके हैं, संजय जी। चलिए सभी लोग आ जाइए, क्वेश्चंस पे फोकस करेंगे। फर्स्ट का क्या होगा? वेरी गुड, कोमल जी ने आंसर भी कर दिया है। सभी लोग बताएंगे मेरा अस्तित्व चित्र किसने बनाया है। शाबाश, बिल्कुल सही है, ऑप्शन ए, आर एस विस्ट ने, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है दूसरा, कौन वान गो के जीवन और उनके चरित्र से बहुत प्रेरित थे? बताइए, कृपाल सिंह शेखावत, देवकी नंदन शर्मा, राम कुमार, परमानंद चोए। बताइए सेकंड का क्या होगा? आंसर बिल्कुल करेक्ट है आपका, ऑप्शन डी हो जाएगा, ये है परमानंद चोए, ठीक है? नेक्स्ट है, भारत सरकार ने 2013 का पद्म विभूषण पुरस्कार किसको दिया था? एस एच रचा, कृष्ण खन्ना, तैयब मेहता, जतिन दास। बताइए थर्ड का क्या होगा? वेरी गुड, शाबाश, आप लोगों के बहुत अच्छे आंसर आ रहे हैं। हाँ, सभी लोगों को गुड इवनिंग, टाइम शेयर करें, ठीक है? ऑप्शन ए ये है एस एच रजा, ठीक है? वेरी गुड, नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बताइए 1938 ईस्वी में किस संग्रहालय ने असित कुमार हलदार के सम्मान में एक अलग कक्ष हलदार भवन के नाम से स्थापित किया था? चंडीगढ़, इलाहाबाद, भारत भवन और राष्ट्रीय संग्रहालय। क्या है आंसर आपका? शाबाश, वेरी गुड, ऑप्शन बी ये है इलाहाबाद संग्रहालय, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। पूछा जा रहा है डांस रियलिटी शो झलक दिखला जा सीजन 10, इसकी विनर कौन थी? बताइए गुंजन शर्मा, श्वेता तिवारी, पूजा मिश्रा, सनी लियोनी। क्या होगा आंसर बताना है, फिफ्थ का आंसर क्या होगा? वेरी गुड, शाबाश, आपको याद रखना है ऑप्शन ए, ये थी कौन? गुंजन शर्मा, ठीक है? याद रखना है।
न्यू क्वेश्चंस भी हैं एंड ओल्ड भी हैं, सभी मिक्स हैं। ठीक है, बताना है नाट्य शास्त्र में कुल कितने संचारी भाव हैं। ये तो बहुत बार पढ़ चुके हैं, गलत नहीं होगा। सिक्स पे आइए, शाबाश, सभी के आंसर आ रहे हैं, बहुत सही। हाँ, स्पीड में करेंगे आंसर आप लोग, ठीक है। 125 क्वेश्चन करने हैं ना। अच्छा, श्वेता तिवारी इज माय फेवरेट, वेरी गुड। चलिए सिक्स पे आइए, क्या होगा आंसर? बिल्कुल आंसर है आपका सी हो जाएगा, 33। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सफेद रंग किसका प्रतीक है? शांति, प्रेम, शौर्य, उदासी, क्या होगा? सेवेंथ का क्या होगा? चलिए, वेरी गुड, वेरी गुड, ऑप्शन ए, ये शांति का प्रतीक है। नेक्स्ट है, सबसे अधिक तरंग लंबाई तथा सबसे कम कंपन गति किस रंग में होती है? बताइए क्या होगा आंसर एट का। सबसे अधिक तरंग दैर्ध्य पूछा जा रहा है, तो याद रखना है ऑप्शन बी, ये लाल रंग की होती है। ठीक है, रेड हो जाएगा। हाँ, वेरी गुड, आगे चलते हैं। एक्सप्लोरिंग इंडिया सेक्रेट आर्ट्स, इसके लेखक कौन हैं? बताइए, आनंद कुमार स्वामी, स्टेला कैमरिस, क्या होगा? इतने में ही आंसर मिल गया आपको, वेरी गुड, स्पीड में करें आंसर। हाँ, वेरी गुड, ऑप्शन बी, स्टेला क्रैमरिस। ठीक है, वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन, बताना है 1956 ईस्वी में कौन उत्तर प्रदेश शासन के द्वारा राजकीय कला महाविद्यालय लखनऊ के प्रधानाचार्य पद पर नियुक्त किए गए थे? बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए। सुधीर रंजन खास्तगीर, ललित मोहन सेन, रणवीर सिंह बिष्ट, इनमें से कोई नहीं, क्या होगा टेंथ का आंसर? सभी लोग करेंगे, वेरी गुड, सभी दशहरा मनाने गए हैं, है ना? हाँ, ऑप्शन ए होगा, ये है सुधीर रंजन खास्तगीर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, म्यूजिकल कंस्ट्रक्शन पूछा जा रहा है, शीर्षक शिल्पाकृति को कास्ट और धातु में बनाया गया है और किसने बनाया है? नाम पूछा जा रहा है, रघुनाथ सिंह, धनराज भगत, पीराजी सागरा, विमान दास, बताइए। हाँ, काफ़ी लोग आज भी मना रहे हैं और काफ़ी लोग कल भी कह रहे हैं, हमारे हिसाब से तो कल ही है। चलिए, म्यूजिकल कंस्ट्रक्शन आंसर होगा ऑप्शन बी, ये है धनराज भगत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंगूर की बेल किसका प्रतीक है? बताइए, आज तो पता है हम गिर गए हैं, हाथ में लग गया है बहुत भयंकर, हाथ में भी, पैर में भी, और बहुत ज्यादा आज मतलब चोटिल हो गए हैं हम। हाँ, चलिए ट्वेल्थ का बताना है, अंगूर की बेल पूछा है, ये प्रतीक जो है ना, ये ईसा के रक्त का प्रतीक है। ठीक है, हाँ, ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे चलते हैं, पूछा जा रहा है द होली नाइट एनग्रेविंग किसका चित्र है? मार्टिन शानगौर, रैमब्रा, रूबेंस, पीटर ब्रूगेल, क्या होगा आंसर? 13, शाबाश, वेरी गुड। चलिए, आंसर बहुत अच्छे आ रहे हैं आप लोगों के, ऑप्शन ए होगा, ये है मार्टिन शानगौर। ठीक है, आगे चल, द होली नाइट पूछा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पूछा जा रहा है, प्रसिद्ध आधुनिक भारतीय कलाकार एस एच रजा की मृत्यु कहाँ होती है? पेरिस में, नई दिल्ली में, इंग्लैंड में, मंडला में, बताइए। 14 का क्या होगा? हमें अभी पता है स्कूटी चलाना अच्छे से आती नहीं है, और आज हमने मतलब वैसे चलाना आती है ग्राउंड वगैरह में, जहाँ खुला मैदान होता है, जहाँ अगल बगल कोई टेंशन फ्री होके चला पाते हैं। आज हमने पतली सी रास्ता में चलाने का ट्राई किया और एकदम की ऐसा गिरे कि बस पूरी उंगलियों में तो बहुत ज़्यादा ब्लड वगैरह आ गया। चलिए, 14 बिल्कुल सही है, एस एस रजा की मृत्यु पूछी जा रही है। हाँ, आंसर बिल्कुल सही दे रहे हैं, ये नई दिल्ली में होती है। ठीक है, आगे चलते हैं। गहरे निछारण एचिंग से छपाई करने को क्या कहते हैं? लेटर प्रेस, कोलोग्राफी, प्लेनोग्राफी, ग्रेव्योर, बताइए। 15 का क्या होगा?
शाबाश, बहुत अच्छी रिप्लाई है, ऑप्शन डी ये है ग्रेपफ्रूट, ठीक है, शाबाश, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भरत मुनि ने कितने प्रकार के रसों का उल्लेख किया है, बताएंगे सभी लोग, 16 रसों का उल्लेख पूछा है भरत मुनि के अकॉर्डिंग। हाँ बिल्कुल सही है, ऑप्शन डी हो जाएगा, ये है 8, ठीक है, स्पीड बढ़ाओ, हमसे 2 क्वेश्चन पीछे चल रहे हैं आप लोग। नाट्यशास्त्र किस सती की रचना है, बताइए, प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व, या फिर चौथी शताब्दी ईसा पूर्व, या फिर तीसरी शताब्दी, या फिर चौथी शताब्दी, बताइए 17। चलिए बिल्कुल आंसर होगा ऑप्शन ए, प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, पूछा जा रहा है एक्सप्रेशनिज्म इसका उदय कहाँ होता है, अमेरिका, जर्मनी, इटली, लंदन, 18 का क्या होगा, एक्सप्रेशनिज्म का उदय पूछा जा रहा है, बिल्कुल ऑप्शन बी जर्मनी। आगे पूछा जा रहा है द क्रोए नामक चित्र किसका है, मुंख, बताइए क्या होगा, 19, या फिर दे दे चीख, हाँ ऑप्शन ए ये है मुंख का, ठीक है। आगे चलते हैं, इम्प्रेशनिज्म जिसको हम प्रभाववाद बोलते हैं इसका अगुआ कौन माना जाता है, बताइए, माने, मोने, देगा, पिसारो, 20 का क्या होगा, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए ये है माने, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं, सिस्टाइन चैपल के भित्ति चित्र को किसने बनाया है, माइकल एंजेलो, लियोनार्डो विंची, एल्बर्ट ड्यूरर, पीटर ब्रुएल, बताइए 21, हाँ ऑप्शन ए हो जाएगा, ये है माइकल एंजेलो, ठीक है, याद रखना है, क्या हो जाएगा आंसर आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पर, पूछा जा रहा है रस सिद्धांत की स्थापना का श्रेय किसको जाता है, बताइए, यशोधर पंडित, वात्स्यायन, अभिनव गुप्त, भरत मुनि, क्या होगा, 22। इम्प्रेशनिज्म में प्रभाववाद का अगुआ पूछा है, ये माने, एक सेकेंड, माने, मोने होगा, ठीक है, हाँ हमने मोने नहीं देखा, ठीक है, ये हो जाएगा ऑप्शन बी होगा इसका। चलिए आगे चलते हैं, पूछा जा रहा है रस सिद्धांत की स्थापना का श्रेय किसको जाता है, क्या होगा आंसर, 22, बताना है 22 का क्या होगा, हाँ वेरी गुड, रस सिद्धांत की बात हो रही है, आंसर बिल्कुल सही होगा ऑप्शन डी भरत मुनि, ठीक है। पूछा जा रहा है भरत के महान टीकाकार कौन है, क्या होगा आंसर, बताइए 23। आंसर की बात करेंगे ऑप्शन ए ये है अभिनव गुप्त, ठीक है। आगे चलते हैं, पूछा जा रहा है जलता हुआ जिराफ किसकी प्रसिद्ध कृति है, डाली, धुनशा, पिकाबिया, मुंक, 24 का क्या होगा, सभी बताएंगे आप लोग, हाँ जलता हुआ जिराफ पूछा है, बिल्कुल सही दिया है ऑप्शन ए ये डाली, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, पूछा जा रहा है काफी की चक्की किसने बनाया है, धुनशा, पिकाबिया, जैक्सन पोलॉक, इनमें से कोई नहीं, क्या होगा, 25 का, बिल्कुल वेरी गुड, काफी की चक्की ऑप्शन ए ये है धुनशा, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं, कला द्वारा विचारों तथा भावों की अभिव्यक्ति होती है, ये कथन किसने कहा है, हाँ 26 पे आएंगे। चलिए आंसर की बात करेंगे, ऑप्शन डी हो जाएगा ये है रस्किन, ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा रस्किन। नेक्स्ट है, वेदों के संकलनकर्ता कौन थे, वाल्मीकि, द्वैपायन, वेदव्यास, कालिदास, रैदास, वेदों के संकलनकर्ता पूछे जा रहे हैं, तो आंसर क्या होगा आपका, हाँ बिल्कुल आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट पर,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिनव गुप्त ने कितने स्थायी भाव माने हैं? बताइए 28 का क्या हो जाएगा आंसर आपका? अभिनव गुप्त ने कितने स्थायी भाव माने हैं? बिल्कुल 28 की बात करेंगे, ऑप्शन ए, इन्होंने 9 माने हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। वेदों की संख्या कौन सी है? बताइए वेदों की कितनी संख्या है, कितने हैं वेद? ऑप्शन सी हो जाएगा, 4 वेद हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पूछा जा रहा है, बहुत धुंधला हो गया है ये तो। चलिए, धरातल के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? धरातल के लिए पूछा जा रहा है, तो देखिए धरातल में हम कैनवास का भी करते हैं, कागज का भी करते हैं, लकड़ी का भी करते हैं, ये सभी आंसर आपके करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ थोड़ा धुंधला है इसलिए हम डायरेक्टली बता देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है टेम्परा, टेम्परा पूछा जा रहा है क्या है? तो याद रखना है, रंग पदार्थों को अंडे और पानी में मिलाकर चित्रण की जो एक विधि होती है ना, उसी को हम टेम्परा बोलते हैं। ठीक है, ऐसे ही आपसे एग्जाम में दे देगा टेम्परा क्या है, तो आपको ऑप्शन लगाना होगा कि रंग पदार्थों को जब हम अंडे और पानी में मिलाकर चित्रण बना देते हैं तो उसी को हम क्या कहते हैं, टेम्परा माध्यम बोलते हैं। ठीक है, आगे दे देगा टेक्सचर क्या है, ऐसे ही बताना है आपको। बताइए, ये तो दिख रहा है आपको, टेक्सचर क्या है? धरातल की बनावट है, स्वेटर की बनावट है, खसड़ा है, या फिर लघु चित्रांकन है? हाँ, ये एक तरह का क्या है, बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा, धरातल की बनावट है। ठीक है, आगे चलते हैं। पुराणों की संख्या पूछी जा रही है, कितने हैं? 24 64। पुराण अपने 18 हैं, है ना, पढ़ चुके हैं बहुत बार। आगे चलते हैं, किस काल में कला के जीवित प्रमाण नहीं मिलते हैं? बताइए, सिंधु घाटी, सिंधु कला, सिंधु काल में, वैदिक काल में, मौर्य काल में, सिंधु काल, सॉरी गुप्त काल में। बताइए 34 का क्या होगा, प्रमाण नहीं मिलते हैं पूछा है चित्रकला के, बिल्कुल ऑप्शन बी होगा, ये है वैदिक काल। ठीक है, आगे, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? बताइए, इकेबाना का मतलब पुष्प अलंकरण है, काबुकी का मतलब रंगमंच है, किमोनी का मतलब वेशभूषा है, हाइकू का मतलब इंस्टॉलेशन है, क्या गलत है इनमें से? बताइए 35। बहुत धीमा चलते हैं आप लोग, बिल्कुल से चींटी भी नहीं हिल सकती है, ऐसे स्टाइल में चलते हैं। ऑप्शन डी हो जाएगा, हाइकू का मतलब इंस्टॉलेशन नहीं होता है। अब बताना है आपको हाइकू का मतलब क्या होता है, और जो ऑफलाइन बाद में देख रहे हैं वो भी पूरी डेफिनेशन नीचे कमेंट बॉक्स पे लिखेंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। कामसूत्र में कितनी कलाओं का उल्लेख मिलता है? बताइए 32 64 36 105। 36 का क्या होगा, कामसूत्र में कितनी कलाएं हैं आपकी? 64 है। ठीक है, 64 है। ओपेक का मतलब क्या होता है, ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जाता है शब्दावलियों से। बताइए ओपेक का मतलब क्या होता है, याद रखना है, याद रखना है, ऑप्शन ए हो जाएगा, ये है आपका अपारदर्शी माध्यम को हम ओपेक बोलते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कोणीय रेखाएं कौन सा भाव प्रकट करती हैं पूछा जा रहा है, शांति का भाव, आनंद का भाव, व्याकुलता का भाव, शक्ति का भाव, क्या होता है 38 का आंसर? बताइए कोणीय रेखाएं जो हैं क्या प्रकट करता है पूछा जा रहा है आपसे, तो देखिए जो व्याकुलता होती है, बेचैनी होती है, उसी को हम कोणीय रेखाओं के द्वारा व्यक्त करते हैं। ठीक है, याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ललित कला दीर्घा जो कि रवींद्र भवन में पूछा जा रहा है, ये कहाँ पर स्थित है? बताइए 39 का क्या होगा, भुवनेश्वर, लाहौर, नई दिल्ली, वाराणसी, बताएंगे सभी लोग ललित कला दीर्घा कहाँ पर स्थित है? हाँ, आंसर की बात करेंगे, बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी, ये हो जाएगा आपका नई दिल्ली में। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्नाटक सरकार के द्वारा दिया जाने वाला जनकाचार्य पुरस्कार अभी हाल ही में किसको दिया गया है? बताइए पी परमेश्वर को, आर कलाचार्य को, शानमुगप्पा यरकत को, या फिर महादेवाप्पा शिल्पी। हाँ, देखिए ऑप्शन सी हो जाएगा आपका, शानमुगप्पा यरकत को दिया गया है, कौन सा, जनकाचार्य पुरस्कार।
ठीक है, कर्नाटक सरकार ने दिया है। आगे चलते हैं, नाम से ही स्पष्ट हो रहा है किसको दिया गया होगा, ठीक है। कौन सा प्रकार पोत का नहीं है, अनुकृत, सृजित, कल्पित, सांकेतिक, बताएंगे 41। पोत का प्रकार पूछा जा रहा है कौन सा नहीं है, बिल्कुल आंसर है आपका ऑप्शन डी, सांकेतिक, ठीक है। आगे चलते हैं, वसली का मतलब पूछा जा, वसली पूछा जा रहा है क्या है, बताइए, चित्र के लिए धरातल है, तकनीक पर आधारित कला है, माध्यम आधारित कला है, चित्रण पद्धति है, क्या है, बिल्कुल ऑप्शन ए होगा, चित्र के लिए धरातल है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, खसड़ा किसे कहते हैं, स्केच को, टेक्निक को, लैंडस्केप को, चित्रण को, 43, बिल्कुल बहुत सही आंसर आपका, बहुत अच्छा आ रहा है, स्केच को बोलते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, बिना तूलिका की सहायता से जो चित्र बनाए जाते हैं उनको क्या बोलते हैं, बताइए किससे बनाए जाते हैं बिना तूलिका की सहायता से, बहुत सही, वेरी गुड, बिना तूलिका के बोला है तो इसमें आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, पेस्टल रंगों से बिना तूलिका के बनाते हैं, ठीक है, याद रखना है। आगे धूमिमल आर्ट सेंटर पूछा जा रहा है, ये कहां पर है, क्या होगा आंसर 45 का, धूमिमल आर्ट सेंटर, बिल्कुल बताएंगे सभी लोग क्या होगा आंसर, हाँ आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, ये है नई दिल्ली में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, तैल चित्रण पद्धति कौन सी नहीं है, स्कम्बलिंग, ड्राई ब्रशिंग, ब्रोकन कलर, वॉश, क्या होगा 46। तेल चित्रण पद्धति कौन सी नहीं है, बिल्कुल सही है ऑप्शन डी हो जाएगा, ये है वॉश, ठीक है, बाकी ड्राई ब्रशिंग, स्कम्बलिंग, ब्रोकन कलर, ये सब। आगे चलते हैं पूछा जा रहा है पारदर्शक टेक्निक कौन सी नहीं है, वॉश, आला प्राइमा, स्पंजिंग, स्कम्बलिंग, 47, वेरी गुड, आंसर क्या होगा, पारदर्शक टेक्निक कौन सी नहीं है, आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, ये स्कम्बलिंग नहीं है, ठीक है, आला प्राइमा, वॉश, स्पंजिंग, ये सब है। आगे चलते हैं, जलवंग पद्धति के लिए जो उपयुक्त तूलिका है वो कौन सी है, ब्रिस्टल, हॉग, सैबल, इनमें से कोई नहीं, जल रंग पद्धति के लिए पूछा जा रहा है आपसे, बिल्कुल वेरी गुड, शाबाश, आंसर है आपका ये है सैबल, ठीक है, ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट, कार्बनिक रंग कैसे होते हैं, बताइए किससे निर्मित होते हैं, रासायनिक तत्वों से, पशु जगत से, वनस्पति जगत से, तीनों से, सरकारी ऑप्शन लगाएंगे, हमें मालूम है जो कि बिल्कुल, हाँ बिल्कुल सही है, ऑप्शन डी होगा, रासायनिक तत्वों से भी, पशु जगत से भी और वनस्पति से भी, ठीक है। आगे, वॉश पद्धति का प्रारंभ भारत में किस कलाकार ने किया है, जीएन टैगोर, शैलेंद्रनाथ डे, फिर हैं एएन टैगोर, रवींद्रनाथ टैगोर, 50, वेरी गुड, आंसर क्या होगा, वॉश पद्धति का प्रारंभ भारत में, ऑप्शन सी, ये है अवनींद्रनाथ टैगोर ने, ठीक है। बताना है खुदा बख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी कहाँ पर है, पटना, लखनऊ, भोपाल, कटक, बताइए 51, वेरी गुड, ऑप्शन ए पटना में है। नेक्स्ट पे आते हैं, एक परत में कार्य किया जाता है तेल रंग में, पोस्टर, जल, एक्रेलिक, बताइए, बिल्कुल आंसर होगा ऑप्शन बी, ये है पोस्टर रंग में, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, धातुओं के रंग बनाए गए हैं 14वीं शताब्दी, 12वीं, 11वीं, 18वीं, बताएंगे सभी लोग 53 का, याद रखना है ऑप्शन डी होगा, ये 18वीं शताब्दी में धातुओं के रंग बने थे, ठीक है। आगे है, राष्ट्रीय कला अकादमी के द्वारा आयोजित पहली अंतरराष्ट्रीय कला मेला का आयोजन
कहाँ हुआ? मुंबई, नई दिल्ली, चेन्नई, चंडीगढ़। 54 प्रथम अंतरराष्ट्रीय कला मेला पूछा जा रहा है इससे। हाँ यही होगा आपका, नई दिल्ली। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे चलते हैं। बिहारी सतसई का चित्रण किस राजस्थानी उपशैली में विशेष रूप से हुआ है? बिहारी सतसई पूछा है, बताइए 55 का क्या होगा आंसर। बीकानेर, जयपुर, बुंदेलखंड, अलवर। बिल्कुल बिल्कुल सही है, ऑप्शन बी ये है आपका, जयपुर। नेक्स्ट, कौन सी शैली की पिछवाइयां प्रसिद्ध हैं? बहुत बार पढ़ चुके हैं, डायरेक्ट आंसर पे बढ़ते हैं, नाथद्वारा। नेक्स्ट, लोक कला का प्रभाव कौन सी शैली पर अधिक पड़ता है? जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, कोटा, बताइए 57। लोक कला का प्रभाव पूछा है, बिल्कुल ऑप्शन बी ये है, जोधपुर शैली। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम अब छत्रपति शिवाजी महाराज वस्तु संग्रहालय है, ये कहां पर स्थित है? बताइए क्या होगा। बहुत बार पढ़ चुके हैं, प्रिंस ऑफ वेल्स मुंबई में। ठीक है, आगे चलते हैं। रवींद्रनाथ टैगोर का जन्म पूछा जा रहा है आपसे, बताएंगे आप लोग क्या होगा। रवींद्रनाथ टैगोर का जन्म पूछा जा रहा है, बिल्कुल ऑप्शन ए 1861 में, 1871 में किसका होता है ये बताना है आपको। नेक्स्ट है, भारत भवन की स्थापना कब होती है? बताइए, भारत भवन की स्थापना पूछी है, सिंपल सा है, ऑप्शन बी 1982 में होती है। ठीक है, हाँ वेरी गुड, अवनी बाबू का हुआ था, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुजो के बाबरी का लेखक कौन है? अबुल फजल, बाबर, गुलबदन बेगम, जहांगीर। तुजो के बाबरी पूछा है तो यही है, बाबर भैया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। शबीह रचना का बड़े पैमाने पर जो आरंभ किया है वो किसने किया था? बताइए शबीह रचना का, बाबर, अकबर, जहांगीर, शाहजहां। आंसर क्या होगा, शबीह की बात हो रही है, बिल्कुल अकबर के पास जाएगा आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पंचतंत्र का जो फारसी में अनुवाद है वो क्या है? पंचतंत्र का फारसी में अनुवाद पूछा है, ऑप्शन ए ये है, अयार ए दानिश। ठीक है, शाबाश, बहुत अच्छे आंसर आ रहे हैं, ऐसे ही फटाफट दौड़ो, बताइए 64। रामचरितमानस की रचना किस मुगल शासक के समय हुई है? बताइए किसके टाइम पे हो सकती है? जिसके टाइम पर रानी हिंदू हो। ठीक है, याद रखना है, अकबर, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट, अकबरनामा में सबसे अच्छा चित्र कौन सा है? अकबरनामा में बहुत बार पढ़ चुके हैं, गलत नहीं करेगा कोई भी, चित्तौड़ का घेरा, सलीम का जन्म, बस आंसर यही पड़ा है, क्या होगा, ऑप्शन बी, सलीम के जन्म वाला जो चित्र है वो सबसे फेमस है। आगे पूछा जा रहा है, अलंकृत हाशियों का प्रचलन किसके युग में विशेष रूप से हुआ है? अलंकृत हाशियों का प्रयोग पूछा जा रहा है, अलंकृत लग गया शब्द तो कहां जाएगा आंसर, अब आंसर जाएगा जहांगीर की तरफ। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। सर थॉमस रो किस मुगल शासक के दरबार में आता है? बताइए, रो रहा है, क्यों रो रहा है? क्योंकि वो गिर गया है, ऑप्शन बी, जहांगीर के टाइम पे। आगे, मुगल शैली में रजमनामा के नाम से किस ग्रंथ का चित्रण हुआ है? बताइए क्या होगा आंसर, रामायण, महाभारत, पंचतंत्र, भागवत पुराण, क्या हो जाएगा आंसर, फटाफट से करेंगे। रजमनामा के नाम से किसको कहते हैं, तो आंसर क्या होगा आपका, बहुत सही बहुत सही, ऐसे ही दौड़ना है, ऑप्शन बी महाभारत। आगे, शाहजहां के समय मुगल चित्रकला का केंद्र कहाँ था? दिख नहीं रहा होगा, हम बोल देते हैं, सुन लीजिए, शाहजहां के समय मुगल चित्रकला का जो केंद्र था वो कौन सा था? तो याद रखना है, शाहजहां की बात हो रही है, दिल्ली उसका प्रमुख केंद्र था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, युद्ध के चित्र किस मुगल शासक के समय अधिक बनते हैं? युद्ध के चित्रों की बात हो रही है, तो आंसर जाएगा अकबर के समय पे। ठीक है, युद्ध के चित्र सबसे ज्यादा बनते हैं, यहाँ थोड़ा धुंधला इसलिए हम बता देते हैं डायरेक्टली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीक कला की उत्कृष्ट कृति है, ये समझ में नहीं आ रहा है, इसको हटाइए। ठीक है,
नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है ईसा का पुनर्जीवित होना नामक चित्र के निर्माता कौन है? बताइए, ड्यूरर है, एल ग्रेको है, टीशिया है, देगा है। बताइए 72 का क्या होगा आंसर? ईसा का पुनर्जीवित होना ये किसने बनाया है? आंसर होगा आपका बिल्कुल सही एल ग्रेको, ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है, याद रखना है। नेक्स्ट है कला नाम प्रवरम चित्रम किस ग्रंथ से उल्लिखित है? कामसूत्र, कल्पसूत्र, चित्रसूत्र, नाट्यसूत्र, नाट्यशास्त्र, सॉरी। बताइए 73 का क्या होगा? बिल्कुल कला नाम प्रवरम कहां से? ऑप्शन सी, ये चित्र सूत्र से। वेरी गुड, शाबाश। बसंत विलास के चित्र किस आधार पर बने हैं? बताइए कागज, कपड़ा, वसली, लकड़ी, किस पर बने हैं? बसंत विलास की बात हो रही है, आंसर होगा आपका किस में बने हैं? ऑप्शन बी, ये बने हैं कपड़े पे, ठीक है, याद रखना है किस पे? कपड़े पर। नेक्स्ट है सम्रांगण सूत्रधार के लेखक कौन है? सोमेश्वर, भोज, नग्नजीत, भरत। केवल आज ये थोड़ा सा धुंधलापन की समस्या है, बाकी कल से जो होगा वो बिल्कुल क्लियर होगा, ठीक है। 75, ये पीडीएफ हमने किसी और से बनवाई है, इस वजह से ये थोड़ा सा धुंधला हो गई है, मतलब अभी तक की पीडीएफ हमने बनवाई हुई थी इसलिए। हाँ, ऑप्शन बी भोज, कल से हम खुद बनाएंगे अपनी। चलिए बताना है जैन धर्म के अनेक तीर्थांकर किस पांडुलिपि में चित्रित हैं? बसंत विलास, कालकाचार्य कथा, सुपांसनाचरियम या फिर कल्पसूत्र। जैन धर्म पूछ लिया है तो जैन धर्म से संबंधित ही आंसर लगेगा, कल्प सूत्र। नेक्स्ट, बौद्ध ग्रंथ विनय पिटक कौन सी भाषा में है? बताइए 77, वेरी गुड, विनय पिटक, शाबाश, वेरी गुड। ऑप्शन ए, ये है पाली भाषा, ठीक है, बौद्धों की है ना ये, इसीलिए। बताना है पाल चित्र शैली की विषय वस्तु पूछी है, पाल चित्र, तो ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, पाल कहां से आते हैं? बौद्ध धर्म से रिलेटेड है, ठीक है। आगे आगे पूछा जा रहा है कला संवेदों की अभिव्यक्ति है यह कथन किसका है? बढ़ते चलो बिल्कुल से वीर तुम बढ़े चलो, आगे चाहे खाई हो, पीछे चाहे कुछ भी हो, बस बढ़े चलो बढ़े चलो। बताओ 79, ऑप्शन ए क्रोचे का, ठीक है, हाँ वेरी गुड, ऐसे ही स्पीड में बढ़ना है, वेरी गुड। पूछा जा रहा है प्रभाववाद किस कला आंदोलन का चरम उत्कर्ष है? घनवाद, यथार्थवाद, भाववाद, अभिव्यंजनावाद, बताइए 80, वेरी गुड। देखिए दोपहर में 2 बजे, शाम को 7 बजे, रात को 9 बजे, ये 3 टाइम अपनी क्लास होती है और तीनों टाइम बिल्कुल से टॉप एमसीक्यूज चल रहे हैं, आपको डेली जुड़ना है 2 बजे, शाम को 7 बजे, रात को 9 बजे। और आज रात को 9 बजे आपकी ट्रिक वाली क्लास आने वाली है अजंता की, ठीक है, और इसको बिल्कुल हमने ट्रिक से बताया है, पूरी लव स्टोरी समझाई हुई है, तो आज भी आपको जुड़ना है रात को 9 बजे, ठीक है, सभी लोग जुड़ेंगे। हाँ, आंसर की बात करेंगे, बिल्कुल सही है, ऑप्शन बी यथार्थवाद हो जाएगा। आगे, उस कलाकार का नाम बताइए जिसने ब्लू सीरीज की रचना तेल रंगों में की है, बताइए क्या होगा, किसने की है ब्लू सीरीज की रचना तेल रंग से? शाबाश, ऑप्शन बी रणवीर सिंह विष्ट, वेरी गुड। सरजेजी स्कूल किस संस्कृति क्षेत्र के अंतर्गत स्थित है? बताना है, हाँ तीनों टाइम आपकी लाइव ही चलती है, ठीक है, हाँ बताइए 82, 279, ये तीनों आंकड़ा याद रखना है 279 का, ठीक है, हाँ 82, आंसर है आपका ऑप्शन सी, ये है पश्चिमी। आगे पूछा जा रहा है ग्रिफिथ्स जो है ये कहां पर आचार्य रहे हैं, ये पूछा जा रहा है आपसे, बड़ौदा, सर जे जे स्कूल, कलकत्ता, मद्रास, कहां होगा आंसर? ग्रिफिथ्स की बात हो रही है, बिल्कुल बहुत सही नीलम साक्या, वेरी गुड, ऑप्शन बी ये है सर जे जे स्कूल में, ठीक है। आगे, अजंता के चित्रों की अनुकृति का कार्य पहली बार किस विद्वान के पर्यवेक्षण में हुआ? बताइए क्या होगा आंसर? मेजर गिल, ग्रिफिथ्स, जगदीश गुप्त, ईवी हैवर, क्योंकि अनुकृति का कार्य पूछा है, बताइए क्या होगा आंसर? अजंता की बात हो रही है,
ऑप्शन ए हो जाएगा, ये है मेजर गिल, ठीक है याद रखना है। आगे चलते हैं, आइडियल्स ऑफ ईस्ट के लेखक कौन है, ओसी गांगुली, ईवी हैवेल, कोकुचा ओकाकुरा या फिर स्टेला क्रेमनिस, बताइए 85। हाँ चलो 85 पे आना है। चलिए आइडियल्स ऑफ ईस्ट पूछा है ना, तो आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, ये ओकाकुरा, ठीक है। नेक्स्ट है भारतीय पूछा जा रहा है, भारतीय पुनरुत्थान कलाकारों ने किस क्षेत्र पर सर्वाधिक बल दिया है, रेखांकन एवं तान, रूप, अभिव्यक्ति, लय, वर्ण, अनुपात, बताइए 86। और क्लास पसंद आए तो शेयर वगैरह कर दीजिएगा, ठीक है। हाँ ऑप्शन ए हो जाएगा, रेखांकन एवं तान पर बल अधिक दिया है किसने, पुनरुत्थानवादी जो कलाकार थे, ठीक है याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, 1919 में रूपम नामक पत्रिका का प्रकाशन आरंभ हुआ, इस पत्रिका का संबंध किससे है, 87 बताएंगे सभी लोग, 87 रूपम नामक पत्रिका, बताइए जल्दी से फटाफट से थोड़े स्पीड में, वेरी गुड। ऑप्शन ए ओसी गांगुली, बहुत सही। आगे अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रगामी भूमिका निभाई है, बताइए अमीर खुसरो की बात हो रही है, तो इन्होंने खड़ी बोली का जनक भी बोलते हैं, तूतीय हिंद बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पूछा जा रहा है, ठुमरी गायिका गिरजा देवी का संबंध कहां से है, बताइए जल्दी से, गिरजा देवी, बताइए गिरजा देवी, ऑप्शन ए बनारस घराने से, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट विज्ञापन करेक्टर जो है गट्टू, इसका निर्माण किया था किसने, गट्टू की बात हो रही है, गट्टू गट्टू बिल्कुल, ऑप्शन डी आर के लक्ष्मण, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है इनमें से कौन सुमेलित नहीं है बनारस रेशमी साड़ी के लिए, बताइए जल्दी से, ये आपके टाइप का क्वेश्चन है, फटाफट से बताएंगे, सुमेलित नहीं है। चलिए देखिए, लखनऊ जो है चिकनकारी के लिए है, बनारस आपकी साड़ियों के लिए है सभी जानते हैं, गोरखपुर टेराकोटा के लिए है, लेकिन जौनपुर जो है इसके लिए नहीं है, मलमल की छपाई के लिए, ठीक है याद रखना, ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट पे आते हैं, गौतम बुद्ध को महापरिनिर्वाण की प्राप्ति कब होती है, बताइए कहाँ होती है ये पूछा जा रहा है आपसे, बताइए। देखिए दो शब्द होते हैं, एक होता है निर्वाण, एक होता है महापरिनिर्वाण, ठीक है। निर्वाण का मतलब होता है ज्ञान की प्राप्ति, और निर्वाण अगर शब्द देगा तो आंसर होगा आपका बोधगया, ऑप्शन सी, ठीक है। लेकिन यहाँ महापरिनिर्वाण है तो कंफ्यूज नहीं होना है, इसका आंसर हो अरे बी नहीं होगा, ये कुशीनगर होगा, ठीक है ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है याद रखना है कुशीनगर। आगे नेक्स्ट है, कौन सा युग में सुमेलित नहीं है, अक्षरधाम दिल्ली में, जेके मंदिर कानपुर में, विश्वनाथ वाराणसी में, बहाई, बहुत से, बताइए क्या होगा, कौन सा युग में सुमेलित नहीं है, क्या होगा आंसर, 93 शाबाश, वेरी गुड, बहुत सही, हाँ बिल्कुल सही दिए हैं आंसर, ऑप्शन डी हो जाएगा, बहाई मंदिर यहाँ नहीं है, ये आपके नई दिल्ली में है, ठीक है याद रखना है, और अच्छा धाम दिल्ली में, जेके टेम्पल सभी जानते हैं, विश्वनाथ ये सभी जानते हैं, ठीक है। तो 93 आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है याद रखना है। आगे चलते हैं नेक्स्ट पर, संत कबीर का समाधि स्थल कबीर जी का पूछा जा रहा है, बताइए क्या होगा, 94 बिल्कुल, ये है मगहर, संत कबीर नगर, ठीक है याद रखना है मगहर में। आगे चलते हैं, पूछा जा रहा है पिपहरवा स्तूप स्थित है मऊ, सिद्धार्थ नगर, बस्ती, वाराणसी, पिपहरवा स्तूप पूछा जा रहा है, वेरी गुड, ऑप्शन बी सिद्धार्थ नगर, बहुत सही, बहुत अच्छा रिप्लाई दे रहे हैं, बहुत सही, वेरी गुड। नेक्स्ट, सुप्रसिद्ध पुरातत्ववेत्ता एवं चित्रकार जिन्होंने विश्व प्रसिद्ध भीमबेटका शैल चित्रों की, भीमबेटका की बात पूरी है पूछी जा रही है, बता दो जल्दी से फटाफट से, और कब की है ये भी छाप दो फटाफट से, सभी लोग छापेंगे कब होती है इसकी स्थापना, खोज सॉरी, इसकी खोज कब होती है, बिल्कुल ये तो सही है, कब होती है टाइम पीरियड बताओ,
नेक्स्ट है, पुनरुत्थानकालीन चित्रित मानवाकृतियां कैसी हैं? यथार्थ मूलक, कल्पना मूलक, तथ्यात्मक, लोकशैली युक्त। शाबाश, बिल्कुल सही है, 1958 वाकड़कर, बहुत सही। इसको बताइए, 97 पे आएंगे। हाँ, उज्जैन के प्रोफेसर थे, वेरी गुड। 97 का क्या होगा? पुनरुत्थानकालीन चित्रित मानवाकृतियां, ये पूछिए। हाँ, ये कल्पना मूलक थी, ठीक है, याद रखना है, वेरी गुड, ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट पर। पुनरुत्थान काल में किस तत्व का आविर्भाव हुआ है? वॉश टेक्निक, तैल चित्रण, और सभी लोग करेंगे। हाँ, 98, शाबाश। पुनरुत्थान काल में किस तत्व का आविर्भाव पूछा है, ऑप्शन ए हो जाएगा, ये है वॉश टेक्निक, ठीक है। आगे नेक्स्ट है, अंबाजी संगमरमर का उपयोग निम्नलिखित में से किस मंदिर के लिए किया जाता है? एलोरा, दिलवाड़ा, खजुराहो, ताजमहल, बताइए क्या होगा। 99, अंबाजी संगमरमर, ऑप्शन बी, ये दिलवाड़ा का अपना जैन मंदिर, ठीक है। नेक्स्ट, अवनींद्रनाथ टैगोर के आरंभिक गुरु पूछे हैं, शतक लग चुका है, एंड आप लोग भी बिल्कुल शतक पे चूकना नहीं है। हाँ, शाबाश, बिल्कुल, ऑप्शन ए, इटालियन कलाकार हैं गिलहार्डी, ठीक है। बोलते बोलते गले में दर्द होने लगा। बताना है वह चित्र जिसका चित्रांकन अवनींद्रनाथ टैगोर ने नहीं किया, बताइए, भारत माता, बुद्ध सुजाता, उमा तपस्या, या फिर बुद्ध जन्म, क्या होगा? अवनींद्रनाथ टैगोर ने नहीं किया है, पूछा है, बिल्कुल ऑप्शन सी, उमा की तपस्या होगा। अच्छा, सभी को बताना है, जल्दी से छाप दो कमेंट बॉक्स पे, उमा की तपस्या किसने, किसका है ये बताना है सभी को। बताइए, काटुम कुटुम जो है इसकी कृति उल्लू की, मतलब जो बनाई है, इसके रचयिता कौन है? शाबाश, नंदलाल बोस, उमा की तपस्या, बहुत सही, बहुत सही, बहुत अच्छा रिप्लाई दे रहे हैं, बहुत सही। हाँ, इसको बताइए, उल्लू जो कास्ट में बना है, किसने बनाया है, बताइए, उल्लू बताओ जल्दी से। हाँ, ऑप्शन ए, ये है अवनींद्रनाथ टैगोर, बहुत सही, बहुत सही, बहुत अच्छा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट है, चलिए बताना है उस चित्रकार की पहचान कीजिए जिसने बंगाल शैली से भिन्न शैली में भी काम, अच्छा, बंगाल के अलावा भी पूछा है, बताइए, चारों ऑप्शन है आपके सामने, 103। हाँ, शाबाश, सभी लोग जुड़ चुके हैं, वेरी गुड, वेरी गुड। गायत्री जी हैं, अनुपम जी, चंद्र प्रकाश, सुनीता, कोमल, युवराज, गायत्री, बहुत सारे लोग हैं, आरती है, गुंजन है, संजय, रागनी, बहुत अच्छा, हाँ बहुत सही, शुभम, वेरी गुड, बहुत अच्छा रिप्लाई दे रहे हैं आप लोग, स्पीड बढ़ा रही है, ऐसे ही दौड़ लगाना है, ऑप्शन बी, गगनेंद्रनाथ टैगोर, ठीक है। आगे, इलाहाबाद म्यूजियम में प्रदर्शित जल रंग चित्र साधु और पुष्प पल्लवित गुलमोहर वृक्ष, इसके रचनाकार कौन है, बताइए, साधु और पुष्प पल्लवित गुलमोहर वृक्ष के रचनाकार, 104, ऑप्शन बी यही है, गगनेंद्रनाथ टैगोर, ठीक है। बंगाल स्कूल में घनवादी चित्रण प्रयोग करने वाले बताना है आंसर क्या होगा, घनवादी चित्रण पूछा है, तो यही है गगनेंद्रनाथ, ठीक है, घनवाद दिख जाए समझ लो, बस ठोक देने को। बताना है कौन सा जोड़ा सम्मिलित नहीं है, बताओ जल्दी से, कौन सी दुल्हन किसके साथ गलत बैठी है? तोता है अमीर खुसरो, सही है। भारत का मैकियावेली किसको कहते हैं? चाणक्य को। भारत का शेक्सपियर कालिदास को कहते हैं। भारत का नेपोलियन, अरे अरे अरे, भारत का नेपोलियन चंद्रगुप्त को कहते हैं, नहीं, समुद्रगुप्त को कहते हैं, याद रखना है, ठीक है, किसको? समुद्रगुप्त को, ठीक है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, राइट, ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, भारतीय फिल्मों के पितामह किसको कहते हैं, बताओ जल्दी से, 107, पितामह की बात हो रही है, और जहां पिताजी का नाम आ जाए तो बस यही है अपने दादा साहब फाल्के, ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट, सबसे बड़ा गुफा मंदिर कौन सा है, गुफा मंदिर पूछ लिया है, बताइए जल्दी से, कैलाश, कंदरिया, मीनाक्षी, विश्वनाथ, बताइए। सभी
सबसे बड़ा कौन सा गुफा मंदिर पूछा है। हाँ बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा, यही है अपने कैलाश मंदिर एलोरा का। ठीक है, कैलाश मंदिर में कितनी गुफाएं हैं बताइए जल्दी से। सॉरी कैलाश मंदिर में नहीं, एलोरा में कितनी गुफाएं हैं ये बताना है। पूछा जा रहा है 22 अप्रैल 2002 को भवेश चंद्र सान्याल को उनके जीवन के 100 वर्ष पूरे होने पर आईफैक्स ने उसे किस उपाधि से अलंकृत किया था। बताइए उपाधि का नाम पूछा जा रहा है आपसे। उपाधियां जिसको जिसको मिली हैं वो सभी उपाधियां याद रखनी है आपको। ठीक है, पूछी जाती हैं आपसे। नाइन्थ का बताना है कौन सी उपाधि मिली है आईफैक्स ने दी है, कब 100 वर्ष पूरे होने पर, किसको, बीसी सान्याल को, कब, 2002 में। बिल्कुल अच्छे से याद रखना है। हाँ ठीक है, एलोरा में 34 गुफाएं, इसको बताइए सुनो पे। ऑप्शन ए होगा, कला गौरव मिला है। ठीक है आगे बढ़ते हैं। कैमरे का आविष्कार पूछा जा रहा है, कब होता है, 1870, 60, 50, 1650। बताइए क्या होगा, कैमरे का आविष्कार कब होता है। दसवें पे आएंगे, याद रखना है ऑप्शन बी, ये 1860 हो जाएगा। ठीक है आगे, भारत कला भवन संग्रहालय वाराणसी के संस्थापक निदेशक कौन थे, मदन मोहन मालवीय, राय कृष्णदास, शिवराम मूर्ति, वासुदेव शरण अग्रवाल। 111 ऑप्शन बी, स्वर्गीय राय कृष्णदास। प्रागैतिहासिक चित्रों का मुख्य जो विषय है वो क्या था, मानव, पशु पक्षी, आखिर धर्म। 112 बस मंजिल की तरफ पहुंच रहे हैं, 10 से 12 क्वेश्चन और बचे हुए हैं आपके। प्रागैतिहासिक मुख्य विषय पूछ लिया है, बताइए बहुत सिंपल है, ऑप्शन सी आखिर। सीधे आगे बढ़ो, प्री हिस्टोरिक इंडिया, बहुत सिंपल, टाइम वेस्ट नहीं करना है, डायरेक्टली आंसर पे फोकस करना है। प्री हिस्टोरिक इंडिया क्या है आंसर, 13, वेरी गुड, ऑप्शन बी स्टुअर्ट पिगार्ट। ठीक है हाँ आगे बताइए, प्राचीनतम शिला चित्रों की खोज का श्रेय किसको जाता है, बताएंगे सभी लोग। 14, प्राचीनतम शिला चित्रों की पूछा है, ऑप्शन ए होगा, ये है कागवर्ण। ठीक है ऑप्शन ए हो जाएगा सही। आगे चलते हैं, कारखाना शब्द किस चित्र शैली से संबंधित है, पाल शैली, मिनिएचर शैली, पोथी शैली या पोथी चित्र या फिर भित्ति शैली, बताइए। जब ये आपकी बुक कंप्लीट हो जाएगी तो फिर हम चैप्टर वाइज स्टार्ट करेंगे, हर चैप्टर से जितने क्वेश्चन बनेंगे उनको उठाया जाएगा। ठीक है तो सभी लोग रेडी रहिएगा, जब ये आपकी बुक कंप्लीट होगी तो आपके चैप्टर वाइज क्वेश्चंस करवाए जाएंगे फिर। ठीक है हाँ, ऑप्शन बी ये है मिनिएचर शैली, ऐसे में आपके सारे जो टॉपिक हैं वो भी कंप्लीट हो जाएंगे और आपको मालूम भी चल जाएगा जो क्वेश्चन छूट रहा होगा। ठीक है बताना है, राजस्थानी चित्रकला के चित्र हैं, लघु चित्र, पोथी चित्र, वॉश चित्र, भित्ति चित्र। 16 हाँ, ऑप्शन ए लघु चित्र। आगे, सबसे अधिक कृष्ण लीला के चित्र कौन सी शैली में बने हैं, मुगल, बताइए। कृष्ण लीला का पूछा है, सिंपल से है। वेरी गुड, बिल्कुल ऑप्शन सी ये है पहाड़ी। ठीक है आगे चलते हैं, स्याह कलम के चित्र किस मुगल शासक के समय बने हैं, स्याह कलम पूछ लिया है, स्याह कलम बताओ, स्याह मतलब शाहजहां। ठीक है याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, मुगल चित्रकला का प्रारंभ कौन से शासक के टाइम पे हुआ है, मुगल चित्रकला का प्रारंभ पूछा है, बताइए चित्रकला का प्रारंभ। बढ़े चलो बिल्कुल नहीं रुकना है। हाँ क्या होगा, मुगल चित्रकला का प्रारंभ पूछा जा रहा है, बिल्कुल सही है ऑप्शन ए, ये है अकबर के टाइम पर। ठीक है हाँ, क्लास पसंद आ रही है तो फटाफट से लाइक शेयर करना है, लाइक कर दो जल्दी से फटाफट से, और ये जो दिल बने हैं इनको उड़ा दो जल्दी दौड़ लगा के।
नेक्स्ट है, चित्रकला की उत्पत्ति का वर्णन किस ग्रंथ में मिलता है? बताइए क्या होगा। देखिए राजस्थानी और पहाड़ी में कंफ्यूज नहीं होना है, राजस्थानी में भी बने हैं, पहाड़ी में भी बने हैं, लेकिन जब तुलना की जाती है तो पहाड़ी उससे आगे निकल जाती है, ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है गायत्री जी। चलिए इसको बताइए, चित्रकला की उत्पत्ति का वर्णन किस ग्रंथ में मिलता है? बताइए 120। अगर पहाड़ी ऑप्शन में नहीं होता तो राजस्थानी हो जाता। हाँ आंसर होगा ऑप्शन ए चित्र लक्षणम में। आगे बढ़ते हैं, प्रागैतिहासिक कला को सामान्यतः किस रूप में वर्गीकृत किया गया है? प्रकृतिवादी, स्वच्छंदतावादी, अति यथार्थवादी, यथार्थवादी। बताइए 121। आ जाओ बिल्कुल से फॉर्म में, एकदम स्पीड में, वेरी गुड युवराज जी, आप आंसर भी देते हैं और पूछते हैं है क्या मैम ऐसा कलाकार टाइप के बच्चे हैं हमारे। हाँ बिल्कुल सही है, क्या होगा 121 का बताओ जल्दी से फटाफट से। बिल्कुल ऑप्शन बी स्वच्छंदतावादी। आगे, मधुबनी कला की मुख्य चित्रकार कौन है? मधुबनी पूछा है, क्या होगा आंसर? जगदम्बा देवी, महासुंदरी देवी, सीता देवी, इनमें से सभी। बताइए मधुबनी कला क्या होगा? हाँ सरकारी ऑप्शन, इनमें से सभी, महासुंदरी, जगदम्बा, सीता, सभी हैं, ठीक है याद रखना है। रंगचूर्ण से बनाए जाने वाले आलेखनों को क्या कहते हैं? रंगचूर्ण से बनाए जाने वाले, बताइए। चलो 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 जल्दी से फटाफट से, रंगचूर्ण पूछा है। बिल्कुल ऑप्शन ए रंगोली, ठीक है। बताइए विलियम सिंपसन कौन थे? भारत के गवर्नर, ईस्ट इंडिया कंपनी के मैनेजर, अंग्रेजी राजदूत, कंपनी शैली के लिथोग्राफी चित्रकार। 124 विलियम सिंपसन की बात हो रही है, याद रखना है ये कंपनी शैली के लिथोग्राफी चित्रकार थे, ठीक है ऑप्शन डी हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, स्याह कलम किसे कहते हैं? बताइए ग्राफिक कला को, काली रेखाओं से केंद्रित, सिंपल सा है, गलत नहीं करेगा कोई, बहुत बार पढ़ा चुके हैं, शाबाश कोमल जी का सबसे पहले आया है आंसर, बहुत सही शाबाश, बिल्कुल सही है। काली रेखाओं को मतलब काली रेखाओं से केंद्रित चित्रों को हम क्या बोलते हैं? स्याह कलम कहते हैं, ठीक है। चलिए तो यहाँ से आपके 125 क्वेश्चन हुए, एंड आप लोगों को जल्दी से कमेंट में बताना है, ऑनलाइन देखने वालों और ऑफलाइन देखने वालों दोनों को ही बताना है कमेंट बॉक्स में कि आपके जो स्कोर हुआ है वो कितना हुआ है, एंड जो क्लास रही है वो क्लास कैसी लगी है, मजा आया कि नहीं आया। डेली अब हम 125 ही करवाएंगे, ठीक है, जब हमें लगेगा कि आप लोग बोर हो रहे हैं तो उस दिन हम 65 रख देंगे, ठीक है, लेकिन जल्दी जल्दी कंप्लीट करना है क्योंकि एग्जाम के टाइम पर रिपीट भी करवाने हैं इनको, इसलिए अभी फास्ट चला जाए तभी हम बहुत अच्छा स्कोर एग्जाम तक कर सकते हैं, ठीक है। अगर हम लोग अभी धीमे पड़ गए तो लास्ट के लिए बहुत ज़्यादा बर्डन हो जाएगा, है ना, तो आप लोग एग्जाम के टाइम पर घड़बड़ा जाएंगे। कुंजम कुंजम, चलो 5 से 6 गलत हुए हैं, शाबाश कोमल जी का, बहुत अच्छा, ठीक है। तो बस यही कोशिश रहेगी कि अपनी जितनी ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सभी सॉल्व कर लिए जाएं, फिर इनका हम केवल रिवीजन ही करवाएंगे आपका एग्जाम के टाइम पर। आप लोग सोचते हैं कि हमें केवल एक बुक पढ़ा, मतलब कि कुछ एक मैराथन लिया दी जाए और उतने से ही क्वेश्चन फंस जाएं एग्जाम के टाइम पर, बहुत बच्चे सोचते हैं कि कोई एक मैराथन दे दी जाए और केवल उसी मैराथन से क्वेश्चन फंस जाएं, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। अगर ऐसा होता तो आप लोग साल भर तैयारी ना करते, एग्जाम के टाइम भी कोई एक ऐसी मैराथन पढ़ लेते जिससे आपका बेड़ा पार हो जाता। तो आप लोगों को एग्जाम के टाइम की मैराथन का इंतजार नहीं करना है, ये जो डेली आपकी 1 घंटे की मैराथन चल रही है इसी को डेली पढ़ते जाओ, एग्जाम के टाइम पे बर्डन कम होगा, और जब हम उस टाइम पर ये सारी क्लासेस लगाएंगे तब आपको मजा आने वाला है और एग्जाम के टाइम पर बिल्कुल हंसते हंसते बिल्कुल बिना टेंशन के जाने वाले हैं आप, ठीक है। हाँ सुपर क्लास मैम जी, मैम वेरी नाइस क्लास। तो शाबाश, तो हम यही कह रहे हैं कि अभी ये जो बुक है, आज हमारा कौन सा था, मॉडल पेपर 11वां था, ठीक है।
कल 12वां हो जाएगा। ऐसे जल्दी जल्दी कंप्लीट करते करते आपके लगभग 27-28 मॉडल पेपर होंगे पूरे टोटल, वो हम आपको पूरे कंप्लीट पढ़ा देंगे, ठीक है। और उसके बाद हम, अब यहाँ पे तो आप लोग मिक्स पढ़ ही ले रहे हैं पूरा, है ना, यहाँ पर पूरा आप लोग मिक्स टाइप के क्वेश्चंस पढ़ ही ले रहे हैं, ठीक है। अब हम इसके बाद क्या करेंगे, हर चैप्टर को उठाएंगे। जैसे आपका पहला चैप्टर होगा प्रागैतिहासिक कला। मैम पढ़ तो सब कुछ लिया है बट भूल जाते हैं, हाँ इसी वजह से, इसी की दवा हमें आपको देनी है कि अभी आपको हम दम से पढ़ाए दे रहे हैं और इसी को हम इतने बार पढ़ा देंगे, इन्हीं क्वेश्चंस को इतने बार पढ़ा देंगे कि बिल्कुल से दिमाग भूल ही नहीं पाएगा। आप लोग देख रहे होंगे दोपहर में 2 बजे क्लास चल रही है, पूरा रिविजन करवा रहे हैं, रात को 9 बजे चलती है, पूरा रिविजन चलता है और 7 बजे आप लोगों को बिल्कुल न्यू क्वेश्चन लाकर देते हैं हम, है ना। हाँ, हम सोच रहे हैं कि अब जो मतलब इसके बाद स्टार्ट करेंगे वो हर चैप्टर वाइज एमसीक्यूज स्टार्ट करेंगे। जैसे आपका प्रागैतिहासिक कला है तो इससे संबंधित जितने क्वेश्चंस होंगे वो करवाए जाएंगे। दूसरा चैप्टर सिंधु सभ्यता, इससे जितने होंगे। तीसरा चैप्टर आपका आ जाता है पाल शैली और ये राजस्थानी वगैरह, ये सब पूरी। फिर पहाड़ी कला, फिर बंगाल शैली, मतलब यहाँ से ऐसे ऐसे करके बीपीएससी स्पेशल मैराथन मैम करवाइए। हाँ, दवाई लगवा लीजिए, बिल्कुल सब कुछ किए बैठे हैं, बहुत दर्द है हाथों पैरों में। वो तो बहुत अच्छा था कि ज्यादा चोट नहीं लगी, बस गिरे ही थे। बीपीएससी मैराथन आर्टिस्ट शुभम जी, ठीक है, बहुत अच्छा पढ़ाती हैं मैम, थैंक यू। अब दिवाली तक तो मोस्टली सभी बिजी रहेंगे तो छुट्टी कर दीजिए कुछ दिनों की। अच्छा, छुट्टी करना है, हम एक काम करते हैं, जो ओल्ड क्लासेस हैं, हाँ कल क्या है, कल अपना क्या है, कल दशहरा है, ठीक है, कल दशहरा है तो सभी को बिल्कुल से दशहरे की राम राम, दशहरे की सभी को राम राम, और जल्दी से सिलेक्शन लीजिए और फिर उस सिलेक्शन के बाद पान हमें चाहिए आपसे एक, ठीक है, सभी लोगों से एक एक पान, तो पता नहीं कितने पान इकट्ठे हो जाएंगे, सभी लोगों से केवल एक पान चाहिए हमें दशहरे का, ठीक है, तो बस सिलेक्शन का पान हमें चाहिए आपके सिलेक्शन के बाद, ठीक है, तो सभी लोगों को दशहरे की राम का राम राम। और कल की हम करते हैं छुट्टी, कल की हम, कल दशहरा है तो इसकी हम छुट्टी कर देते हैं, लेकिन जो 2 बजे क्लास होती है और जो रात को 9 बजे क्लास होती है ओल्ड क्वेश्चंस की, ओल्ड एमसीक्यूज की, वो आपकी कंटिन्यू चलती रहेगी 2 और 9 बजे, ठीक है। यहाँ आपका बिल्कुल से टॉप एमसीक्यूज चल रहे हैं और इनको हम रिवीजन के तौर पे आपके सामने पेश करते हैं, ठीक है। तो आप लोग रात में जरूर बिजी हो सकते हैं लेकिन दोपहर में जो 2 बजे टाइम है उसमें आप लोग बिजी नहीं रहेंगे, उम्मीद है, ठीक है। मैम मेरे 7 क्वेश्चंस गलत हुए हैं, चलिए बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड, 7 गलत हुए मतलब 18 आपके श्योर हैं, वेरी गुड, ठीक है। तो कल आपकी शाम को 7 बजे वाली क्लास ऑफ रहेगी और दोपहर में 2 बजे और रात को 9 बजे ये दोनों क्लासेस आपकी बिल्कुल रेगुलर चलेंगी, ठीक है, इनसे नो कम्प्रोमाइज। बाकी जो 7 बजे वाली क्लास है इसको हम ऑफ करते हैं जहां हम आपको न्यू क्वेश्चंस रखते हैं, ठीक है। चलिए, स्कूटी पर भी खूब खरोचे आई हैं, अभी 500 रुपये लगे हैं, सुधराई, हाँ हमसे ही स्वागत हुआ है स्कूटी का। चलिए चलिए अब ऑफ करते हैं, ठीक है, जिसने अभी तक लाइक वाइक नहीं किया है आप लोग कर सकते हैं अगर पसंद आई है क्लास, ठीक है, चलिए ऑफ करते हैं।